नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जनरल नॉलेज के। ये सब जो क्वेश्चंस होंगे ये पिछले पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है इनकी अब एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 10 पार्ट्स में कंप्लीट होगी, जिसमें हर सीरीज में हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इस सीरीज में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली बैन तंबाकू। तो दोस्तों, तंबाकू जो होता है उसको बैन करने वाली पहली कौन सी कंट्री है जिसने पूरी तरीके से तंबाकू के यूज को बैन कर दिया है? तो हमारा आंसर होगा भूटान। तो दोस्तों, भूटान कंट्री जो है उसमें जो तंबाकू का यूज है वो बैन है, तंबाकू यूज नहीं किया जाता। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। When is National Voters Day celebrated? तो दोस्तों, नेशनल वोटर्स डे जो होता है भारत में वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर है 25 जनवरी। तो दोस्तों, हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ जिप्सम इन इंडिया? तो दोस्तों, जिप्सम जो होता है उसको प्रोड्यूस करने वाली सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो कौन सी स्टेट में होती है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट जो है इंडिया की उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है जिप्सम की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहेगी आपके एग्जाम के लिए। काफी बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों, पार्लियामेंट जो होती है जो कि डिवाइड होती है लोकसभा और राज्यसभा में, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हूज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन डे? तो दोस्तों, एजुकेशन डे जो होता है वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है और किसकी जन्मदिन होता है जिस तारीख को हम एजुकेशन डे मनाते हैं? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अबुल कलाम आजाद जो थे वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एजुकेशन डे जो होता है वो कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा 11 नवंबर। तो दोस्तों, हर साल 11 नवंबर को हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थडे है अबुल कलाम आजाद का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो दोस्तों, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा आंसर होगा ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, मुंबई में एक जगह है ट्रॉम्बे जहां पर जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों, पहली वुमेन जो थी इंडिया की आईपीएस ऑफिसर जो बनी थी उनका क्या नाम था? तो हमारा आंसर होगा किरण बेदी। तो दोस्तों, किरण बेदी जो थी वो पहली वुमेन थी इंडिया की जो कि एक आईपीएस ऑफिसर चुनी गई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों, कथक जो कि काफी ज्यादा फेमस डांस है वो कौन सी स्टेट का क्लासिकल डांस है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, कथक जो है जो कि एक क्लासिकल डांस है वो डांस है उत्तर प्रदेश स्टेट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा सख्त सब्सटेंस जो होता है पूरे वर्ल्ड में उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा डायमंड। तो दोस्तों, डायमंड जो होता है जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस है
वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों ओनम जो है, जो कि काफी ज्यादा फेमस फेस्टिवल है, वो कौन सी स्टेट का है? तो हमारा आंसर होगा केरला। तो दोस्तों केरला स्टेट जो है उसका एक काफी ज्यादा फेमस फेस्टिवल है ओनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इनके ऊपर भी काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। When did Delhi become the capital of India? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल कौन से ईयर में बनी थी? तो हमारा आंसर होगा 1911 में दिल्ली बनी थी इंडिया की कैपिटल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद बिस्मिल्ला खान? तो दोस्तों बिस्मिल्ला खान जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन थे इंडिया के, वो कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा शहनाई। तो दोस्तों बिस्मिल्ला खान जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए काफी ज्यादा चर्चित थे, जो कि था शहनाई। बिस्मिल्ला खान जो थे वो एसोसिएटेड थे शहनाई से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स लोकेटेड? तो दोस्तों नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा आंसर होगा पटियाला। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो लोकेटेड है पटियाला में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगा खा कप इज रिलेटेड टू विच गेम? तो दोस्तों आगा खा कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा हॉकी। तो दोस्तों आगा खा कप जो होता है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर होगा हॉकी। हॉकी जो होता है वो रिलेटेड होता है आगा खा कप से। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज द बंदीपुर सेंचुरी लोकेटेड? तो दोस्तों बंदीपुर सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बंदीपुर सेंचुरी जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी में से है इंडिया की। तो हमारा आंसर होगा कर्नाटका। तो दोस्तों बंदीपुर सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है कर्नाटका स्टेट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड रेडियो? तो दोस्तों रेडियो जो होते हैं उनका इन्वेंशन किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा मार्कोनी। मार्कोनी जो था उन्होंने इन्वेंशन किया था रेडियो का। और ये कहां से थे? तो ये थे इटली से। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश? तो दोस्तों इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है? ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? तो हमारा आंसर होगा नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड जो है वो स्टेट है इंडिया की जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो लिविंग बर्ड है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रिच। तो दोस्तों ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ी लिविंग बर्ड है पूरे वर्ल्ड की। ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which is the largest flower in the world? तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फ्लावर है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है पूरे वर्ल्ड का। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी बर्ड जो है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर होगा हमिंग बर्ड। तो दोस्तों हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी बर्ड है पूरे वर्ल्ड की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन पीछे सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था।
तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये वीडियो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, सभी क्वेश्चंस मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।